हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 12 किया था, ठीक है, इनसे पहली पहली से पहली वाली वीडियो में, ठीक है। तो उसमें पार्ट वन हमने कर लिया था, जिसमें हमने मीनिंग पढ़ा था, ठीक है, और वो फैक्टर्स पढ़े थे जो हमें अपनी साइट सिलेक्ट करने से पहले ध्यान रखने हैं, ठीक। तो पार्ट टू की बारी है। पार्ट टू में हम एक एल्फ्रेड वेबर्स की थ्योरी पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी? एल्फ्रेड वेबर्स एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी इंडस्ट्रियल लोकेशन को लेके, एक तो वो पढ़ेंगे और कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। प्लांट लोकेशन के फैक्टर्स को भी कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्राइमरी फैक्टर्स और एक सेकेंडरी फैक्टर्स, ठीक है। तो हम ये चीजें पार्ट टू में करने वाले हैं, तो पार्ट टू को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है अल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब इंडस्ट्री लोकेशन का मतलब जानने से पहले इंडस्ट्री के बारे में जानो। हमने एक चैप्टर में पढ़ा था प्लांट, फर्म और इंडस्ट्री, तीन चीजें होती है अलग अलग। देखो प्लांट क्या होता है, पहले फर्म का समझो। फर्म एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पे एक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है, जैसे कि प्रोडक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, और जो भी वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स या सर्विसेज उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पब्लिक में, ठीक है। तो ये तो होती है फर्म। अब प्लांट क्या होता है, जो भी चीजें फर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है वो चीजें बनती हैं प्लांट में, ठीक है। प्लांट में वो चीज प्रोड्यूस होती है, ठीक। प्लांट की लोकेशन जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, मतलब प्रोडक्शन जहां भी होती है उसको हम प्लांट बोलते हैं, और इंडस्ट्री को बोलेंगे बहुत सारी फर्म्स मिलकर जो इंडस्ट्री कहलाती है। बहुत सारी फर्म्स को मिलाकर एक इंडस्ट्री बनती है। तो वही चीज है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को, इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में अल्फ्रेड वेबर्स ने क्या थ्योरी दी थी, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट है, द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय अल्फ्रेड वेबर, अ जर्मन इकोनॉमिस्ट। जो सबसे पहली सिस्टमैटिक थ्योरी थी इंडस्ट्रियल लोकेशन की, वो किसने दी थी? अल्फ्रेड वेबर ने, जो कि जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। हिज प्योर थ्योरी ऑफ लोकेशन वॉज पब्लिश इन 1909 इन जर्मन लैंग्वेज एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश इन 1929। जो इनकी थ्योरी थी, प्योर थ्योरी थी इस लोकेशन के ऊपर, वो पब्लिश कब हुई थी? 1909 में, जर्मन में और जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश इन 1929। फिर वो 1929 में इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दिया गया। वेबर्स थ्योरी इज बेस्ड अपॉन अ डिडक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्टर्स कॉजिंग लोकलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जो अल्फ्रेड वेबर थे, इनकी थ्योरी जो है बेस्ड थी किस पे? इन्होंने ये देखा था कि, ये देखना चाह रहे थे कि अगर हम कोई इंडस्ट्री, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर लगाते हैं, तो उस चीज में एनालिसिस कर रहे थे ये, कैसी वो होगी, क्या कॉजेज उसके होंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब हर जगह का अलग अलग टेम्परेचर होगा, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होगी, कहीं बहुत ज्यादा ठंड होगी, कहीं पर बरसात चलती रहेगी। तो अलग अलग लोकेशन पर अगर ये अपनी इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री कोई सेटअप करते हैं, तो वहां पे क्या क्या कॉजेज होंगे, इस चीज पे ये एक एनालिसिस कर रहे थे उसमें, ठीक है। इनकी थ्योरी ये थी। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। इनकी थ्योरी इन फॉलोइंग एजम्पशंस पर बेस्ड थी, ठीक है। ये इन्होंने मान रखा था कि ये चीजें होंगी। द सेंटर्स ऑफ कंजम्पशन आर फिक्स्ड। जो भी सेंटर होंगे कंजम्पशन के, वो फिक्स्ड होंगे, मतलब जहां से वो बटेगा सामान पब्लिक में जाएगा वो फिक्स्ड होगा बिल्कुल, ठीक है, वो जगह। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज सेम एट ऑल प्लेसेस इवन दो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स इन इवन। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी वो सेम होगी हर प्लेस पे, ठीक है, भले ही वो डिस्ट्रीब्यूशन हो डिपॉजिट्स का वो अनइवन हो, ठीक है, भले ही वो अलग अलग जगह पर हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी वो बिल्कुल सेम होगी हर जगह पर। देयर आर फिक्स्ड सेंटर्स ऑफ लेबर सप्लाई एंड दे हैव अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर एट कॉन्स्टेंट कॉस्ट। जो सेंटर्स होंगे लेबर सप्लाई के, ठीक है, जहां से वो लेबर सप्लाई होगी वो भी जगह बिल्कुल फिक्स्ड होगी, ठीक है, अनलिमिटेड सप्लाईज वो करेंगे लेबर की कॉन्स्टेंट कॉस्ट में, सबकी कॉस्ट बराबर होगी भले ही वो लेबर कहीं से भी आ रही हो, उनके ये एजम्पशंस थे। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डिपेंड अपॉन वेट ऑफ मटेरियल एंड डिस्टेंस। उस जो भी सामान होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी पैसा लगेगा वो डिपेंड करेगा कि उस सामान का वेट कितना है और वो कितना दूर जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रांसपोर्टेशन रेट्स आर इक्वल थ्रू आउट द कंट्री एंड देयर इज एन एब्सोल्युटली इवन प्लेन। जो ट्रांसपोर्टेशन रेट्स होंगे वो इक्वल होंगे पूरी कंट्री में, ठीक है, और वो इवन प्लेन मतलब बिल्कुल बराबर बराबर ही वो रहेंगे, सारे इक्वल रहेंगे। तो ये उनके एजम्पशंस थे, ऐसा वो मान के चल रहे थे इस थ्योरी में अपनी, ठीक है, ये इनके एजम्पशंस थे। आगे बढ़ते हैं।
ही डिवाइडेड द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन इनटू टू कैटेगरीज। अब ये जो पूरा इनकी थ्योरी थी, इसमें क्या क्या जो भी फैक्टर्स थे उन फैक्टर्स को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, कौन कौन से, एक तो प्राइमरी फैक्टर्स और एक सेकेंडरी फैक्टर्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनके फैक्टर्स के बारे में। प्राइमरी फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ओवर द डिफरेंट रीजन। अलग अलग जगह पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स का, वो सब इसमें फैक्टर्स में आएंगे। ठीक है, सेकेंडरी फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच आइदर कॉज कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन सर्टेन रीजन और देयर डिस्पर्सल फ्रॉम द ओरिजिनल रीजन। सेकेंडरी फैक्टर्स में ये पता चलेगा कि जो एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, जो चूज की हुई है एक जगह, उसमें कितना कंसंट्रेशन है, कितनी एकाग्रता है इंडस्ट्रीज की, ठीक है, या फिर डिस्पर्सल फ्रॉम द ओरिजिनल रीजन की जो भी मूल क्षेत्र है उनका, जो भी एक डिस्पर्सल ओरिजिनल जो उनकी जगह है वहां से वो कितना फैलाव उसमें हो रहा है, वो कितना ग्रो उसमें कर रहा है, वो सेकेंडरी फैक्टर्स में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं अभी। तो आगे हमारे हैं प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन के फैक्टर्स जो इन्होंने बताए वो दो कैटेगरी में बांटे हैं, प्लांट प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे हमने इससे पहले जाना। तो प्राइमरी फैक्टर्स जो थे वो ये हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट होगी, वो रीजन टू रीजन डिपेंड करेगी। मतलब कैसी जगह पर वो बन रहे हैं, वो जगह बहुत गर्म है, ठंडी है, या फिर किस जगह पर वो बन रहे हैं, उस चीज पर वो डिपेंड करेगी। ठीक है, सेकंड है, द एंटरप्रेन्योर विल सेट अप हिज यूनिट एट अ प्लेस वेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम। जो भी बिजनेसमैन होगा, जो भी एंटरप्रेन्योर होगा, वो अपनी यूनिट उसको प्रोड्यूस करने की ऐसी जगह बनाएगा जहां पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो वो मिनिमम हो। ठीक है, तो ये था सेकंड फैक्टर। थर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर डिटरमाइंड बाय टू बेसिक एलिमेंट्स। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, जितना वेट ट्रांसपोर्ट करेगा उस पर, या फिर जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी उस पर। जितना ज्यादा वेट उतनी ज्यादा कॉस्ट, जितना लंबा डिस्टेंस उतनी ज्यादा कॉस्ट। ठीक है, कम वेट तो कम कॉस्ट, कम डिस्टेंस तो कम कॉस्ट, ये चीज है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर डिपेंड करेंगी। इंडस्ट्री विल आइदर बी लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल और वेयर मार्केट्स ऑफ फॉर फिनिश्ड गुड्स इज अवेलेबल। जो इंडस्ट्री लोकेटेड होगी वो या तो ऐसी जगह होगी जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, या फिर वो ऐसी जगह लोकेट होगी जहां पर मार्केट हो फिनिश्ड गुड्स के लिए। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स जो हमने बनाया उसके लिए मार्केट अवेलेबल हो, या तो इस जगह पे वो इंडस्ट्री जो है लोकेटेड होगी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू द प्लेस ऑफ मार्केट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, देन द प्लांट विल बी सिचुएटेड नियर द मार्केट। क्या कह रहे हैं यहाँ, ध्यान से समझना। रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन जहां पे हो रही है वहां तक पहुंचाने की कॉस्ट, ठीक है, और दूसरी चीज है फिनिश्ड गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने की कॉस्ट। ठीक, तो ये कह रहे हैं फिनिश्ड गुड्स की जो कॉस्ट है मार्केट तक पहुंचाने की, अगर वो ज्यादा होगी तो प्लांट कैसी जगह लगेगा, मार्केट की जगह पर लगेगा। ठीक है, मतलब मार्केट के पास लगेगा, यहाँ पे ये चीज कही जा रही है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट प्लेस, फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट लगेगी मार्केट तक पहुंचाने में अगर ज्यादा, तो जो प्लांट होगा ट्रांसपोर्ट उसको मैन्युफैक्चर करने का या प्रोड्यूस करने का, वो लगेगा नियर द मार्केट। ठीक है, जिससे कि उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च ना करना पड़े, इसलिए वो उसको मार्केट के पास ही लगा देंगे उस प्लांट को जहां पे चीजें प्रोड्यूस होंगी। फिर जब वो मार्केट के पास होगा तो प्रोड्यूस होने के बाद वो सीधा मार्केट में चला जाएगा और वो आराम से बिक जाएगा और ज्यादा कॉस्ट उनकी नहीं लगेगी उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ही क्लासिफाइड रॉ मटेरियल्स इनटू टू कैटेगरीज। अब इन्होंने कैटेगरीज में बांट दिया रॉ मटेरियल्स को भी। ठीक है, वो कैटेगरीज क्या क्या है, एक तो सबसे पहले यूबीक्यूशियस मटेरियल। ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर द मटेरियल्स विच आर अवेलेबल एट एवरी प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर ब्रिक्स क्ले, ये ऐसे मटेरियल होते हैं या फिर ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो हर जगह मिल जाते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ब्रिक्स यानी ईंटें हो गई, क्ले हो गई, तो ये चीजें जो होती हैं ये हर जगह मिल जाती हैं, इनको बोलेंगे यूबीक्यूशियस मटेरियल, इस रॉ मटेरियल को। ठीक है, सेकंड हमारा आता है लोकलाइज्ड मटेरियल्स, उसमें हमारा पहला है, मतलब लोकलाइज्ड मटेरियल में, दीज आर द मटेरियल्स विच आर अवेलेबल ओनली एट सर्टेन प्लेसेस लाइक कोल, आयरन ओर, कॉटन एटसेट्रा। ये वो रॉ मटेरियल होगा या वो मटेरियल होगा जो मतलब हर जगह नहीं मिलता, कुछ ही जगह पर मिलेगा, जैसे कि कोयला हो गया, आयरन ओर हो गया, कॉटन हो गया, तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, एक ही जगह, मतलब कुछ कुछ जगहों पर ये मिलेगा। द लोकलाइज्ड मटेरियल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब लोकलाइज्ड मटेरियल्स को भी उन्होंने दो कैटेगरीज में बांट दिया है, मेन जो है वो ये दो ही है, लेकिन लोकलाइज्ड मटेरियल की इन्होंने कैटेगरी बना दी। सबसे पहले ग्रॉस रॉ मटेरियल्स, दीज रॉ मटेरियल्स आर वेट लूजिंग मटेरियल्स एंड आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। ये जो मटेरियल्स होते हैं ये वेट लूजिंग मटेरियल्स होते हैं और इनको इस्तेमाल करा जाता है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर में, मतलब कोई भी चीज बन रही है तो उसके प्रोसेस में इसको यूज करेंगे, जैसे कि कोल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस रॉ मटेरियल। कोल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, ग्रॉस रॉ मटेरियल, या कैसे, द कोल इज कंज्यूम्ड इन द फर्नेस। ये कोल नहीं है, ये कोल है, ठीक है, गलती हो गई है यहाँ पे। द कोल इज कंज्यूम्ड इन द फर्नेस एंड एड्स नो वेट टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो कोल होता है वो जलता है भट्टियों में, ठीक है, वहां पे नया गुड़ बनता है उसमें, फिर क्या होता है, कोल कोई अपना कोई वजन थोड़ी ऐड कर रहा है उस प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट बनाया है उसने, उसको बनाया है, बस बनाने में हेल्प करी है जल के,
ठीक है। तो ये ग्रॉस रॉ मटेरियल का एक अच्छा एग्जांपल हो गया कोल, ये गोल नहीं है ध्यान रखना, कोल है वो। प्योर रॉ मटेरियल दूसरी कैटेगरीज की आती है, दीज रॉ मटेरियल डू नॉट लूज वेट इन द प्रोसेस ऑफ मैनुफैक्चर एंड इम्पैक्ट होल और पार्ट ऑफ देयर वेट टू द फिनिश प्रोडक्ट, एग्जाम्पल कॉटन वुल एटसेट्रा। तो जो प्योर रॉ मटेरियल होगा वो अपना वेट लूज नहीं करेगा इन द प्रोसेस ऑफ मैनुफैक्चर, मतलब मान लो अगर 10 किलो कॉटन से हम कुछ बना रहे हैं, कुछ मैनुफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस कॉटन का वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ज्यादा वजन उसमें नहीं, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, मतलब लगभग सेम ही होगा। तो ये कोई भी अपने वेट लॉस नहीं करते हैं प्योर रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर हमारे आते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्लांट लोकेशन, ठीक है। इसमें सेकेंडरी फैक्टर्स लीड टू द कंसंट्रेशन और डिस्पर्जल ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी फैक्टर्स क्या करते हैं, कंसंट्रेशन और डिस्पर्जल। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता देखना उसकी, और डिस्पर्जल मतलब उसको और ज्यादा एक्सपेंड करना इंडस्ट्रीज को। वेबर हैज कॉल्ड देम एग्लोमेरेटिव एंड डेग्लोमेरेटिव फैक्टर्स। वेबर ने इसको नाम दिया है एग्लोमेरेटिव और डेग्लोमेरेटिव फैक्टर्स, ठीक है। इनको पढ़ते हैं एग्लोमेरेटिव और डेग्लोमेरेटिव क्या है। ये एग्लोमेरेटिव फैक्टर्स आर द एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज का यहाँ मतलब है जो भी बाहर की चीजें होंगी विद इन द इंडस्ट्री, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इन सब चीजों पर हमें फोकस करना पड़ेगा अगर हमें कंसंट्रेट करना है अपनी इंडस्ट्री पर, ठीक है। कंसंट्रेशन इंडस्ट्री एट अ पर्टिकुलर प्लेस, अगर हमें उस पर कंसंट्रेट करना है पूरी तरह से, तो हमें इन फैसिलिटीज को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है। स्किल्ड लेबर जो हमारी है उसकी सप्लाई हमें देखनी पड़ेगी अगर हमें कंसंट्रेशन देखना है पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है। तो ये तो थे एल्गोमेरेटिव एल्गोमेरेटिव फैक्टर्स। आगे हैं डेग्लोमेरेटिव फैक्टर्स आर द एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। डिस इकोनॉमीज मतलब अब हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ेगी अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को और ज्यादा एक्सपेंड करना है, ठीक है, डिस्पर्जल करना है उसका। तो उसमें हमारा एग्जाम्पल आते हैं राइज इन वेज रेट्स। हमें वेज रेट्स बढ़ाएंगे क्योंकि हमें ज्यादा लोग चाहिए होंगे अगर हमें अपनी इंडस्ट्री एक्सपेंड करनी है। वेज रेट बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, हमें रेंट्स भी पे करने पड़ेंगे, हमें टैक्सेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट्स, जब हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हमें टैक्सेस भी ज्यादा पे करने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ लैंड, जब हम अपना इंडस्ट्री एक्सपेंड करेंगे तो हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम लैंड की कॉस्ट भी बढ़ेगी हमारी, ठीक है, एटसेट्रा, दैट अराइज ड्यू टू एक्सेसिव लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सारी चीजें हमारी बढ़ जाएंगी, ठीक है, जब हम और ज्यादा अपने इंडस्ट्री को एक्सपेंड करेंगे तब, ठीक है। और एग्लोमेरेटिव फैक्टर्स में हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं अपने किस पे, इंडस्ट्रीज पे, पर्टिकुलर प्लेस वाली पे। और डेग्लोमेरेटिव फैक्टर्स में हम अपनी डिस्पर्जल कर रहे हैं इंडस्ट्री का, और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये थे सेकेंडरी फैक्टर्स प्लांट लोकेशन के, ठीक। तो बस ये था पार्ट टू, अगर पार्ट वन नहीं देखा तो उसको जाके देखो, थोड़ा बहुत चैप्टर और बचा है उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे, ठीक है। पार्ट वन नहीं देखा तो उसको जाके देखो, पीछे के चैप्टर्स नहीं देखे तो उनको जाके देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।